वेलकम बैक टू माय चैनल निधीस मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू शिमला मिर्च की रेसिपी। आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी से बन भी जाती है। आप इसे बनाकर बच्चों के टिफिन में भी पैक कर सकते हैं और ऑफिस जाने वालों के लिए सबसे बेस्ट रेसिपी है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू शिमला मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम 1/4 कप सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप इसके जगह रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को हम फाइनली स्लाइस करके ऐड करेंगे। प्याज को आप लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक आप फ्राई करें। इसे हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट ब्राउन होने तक ही इसे फ्राई करना है। अब इसमें आलू ऐड करेंगे। ये 4 मीडियम साइज़ के आलू है जिसको मैंने वेजेस में कट कर लिया है। आलू को 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आप नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और गैस फ्लेम को एकदम लो कर दें। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। आप 2 से 3 टमाटर इसमें डाल सकते हैं। टमाटरों को आप घिसकर या पीसकर या आप ऐसे मोटे मोटे काटकर जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से इसमें डाल सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च को स्लिट करके ऐड करेंगे। एक बार और इसे मिक्स कर लेंगे और इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। मैंने शिमला मिर्च को भी सेम साइज़ में काटा है जैसे मैंने आलू काटे थे और क्वांटिटी भी सेम रखी है, जितने आलू है उतने ही शिमला मिर्च है। जो लोग थोड़ी खड़ी खड़ी शिमला मिर्च खाना पसंद करते हैं वो थोड़ा लेट में ही शिमला मिर्च ऐड करें, जैसे अभी हमने ऐड करी है। नहीं तो आप आलू और शिमला मिर्च दोनों को एक साथ सेम टाइम पर डालकर भी बना सकते हैं। वैसे बनाने से शिमला मिर्च एकदम सॉफ्ट हो जाती है, एकदम घुल जाती है। दोनों ही तरीके से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप खड़ी खड़ी शिमला मिर्च पसंद करते हैं या घुली हुई एकदम भुनी हुई, तो उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। अब इसे हम ढक देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे, जब तक हमारे आलू गल नहीं जाते हैं। चलिए आलू को चेक कर लेते हैं। आलू पूरी तरह से गल चुका है लेकिन अभी सब्जी रेडी नहीं हुई है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि सब्जी की भुनाई करनी बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। सब्जी को हम तब तक भुनेंगे जब तक आलू के ऊपर अच्छा ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप ये सेम रेसिपी को फॉलो करके प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं। आप हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगा लें और उसके बाद सब्जी की अच्छे से भुनाई कर लें। ऑयल भी रिलीज हो चुका है, सब्जी अच्छे से भुन चुकी है, अभी रेडी है सर्व करने के लिए। एकदम चटपटी सी आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।